universities, so that more universities come within the first 100. There is not a single one. What is the minister doing with regard to that, in spite of his tall talk about national education policy? Stop influx. Money, money. To stop the... Chairman, sir, मैं आदरणीय स्वागत दा की थोड़ा सदस्य वरिष्ठ भी है, हम सब उनको आदर भी करते हैं, लेकिन भारत की मेधा को इस प्रकार की राजनीतिक उद्देश्य से निंदा करना शायद दादा जैसे दादा थोड़ा कम से कम इस सदन आप जैसे वरिष्ठ सदस्य तो इतना शिक्षा चाहता है, थोड़ा पेशेंस में सुन तो लीजिए प्लीज दादा। ये हमारी देश की मेधा शक्ति को हमारी देश में इन दिनों में ये सारे बाहर जाना, इट्स नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, देयर इज नो डर्थ ऑफ क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री। यू नेम IIT, यू नेम NIT, यू नेम IIMs, यू नेम सटन इन हिज ओन स्टेट। हाउ कैन ही डिमीन द जादवपुर यूनिवर्सिटीज एकेडमिक क्रेडेंशियल इन दिस वे? सर प्लीज, दिस इज IIT खड़गपुर इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। चेयरमैन सर, गोइंग अब्रॉड इज नॉट समटाइम, यस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज ए इश्यू, ब्रेन ड्रेन वॉज द कंसेप्ट, टूडे द रिवर्स कंसेप्ट इज दैट इज नाउ ब्रेन डैम। लेट मी साइट फ्यू नेम्स, हु आर दे? दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दे वेंट अब्रॉड, दे ब्रिंग ग्लोरी टू आवर कंट्री, they bring fame, name and fame to our country. Let me, are they cyber coolies? Satya Nadella, CEO of Microsoft, he is a product of Indian education system. Sundar Pichai, the CEO of Indian education system and he is a student of Kharagpur IIT. Santanu Narayan, CEO of Adobe, is a product of Indian education system. Arvind Krishna, CEO of IBM, is a product of Indian education system. Ajay Banga, he is a product of Indian education. Turning today, Indian brain, Indian talent is creating international pool in medicine, in digital world. We can say today, what definition of workplace has been changed. विश्व की अध्यक्ष महोदय, विश्व की मैं चेन्नई शहर को अगर उदाहरण करके लू, चेन्नई शहर दुनिया के टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लगभग 1/10 कैपेसिटी चेन्नई शहर से चल रहा है। क्या हम उसको साइबर बुलिंग कहेंगे? क्या बाहर से पढ़े हुए स्टूडेंट है? इस प्रकार की अंडरमाइन करना उचित नहीं है। बाकी रहा कि इन दिनों में इंडियन क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, मैं एक ही तथ्य आपके सामने विनम्रता के साथ रखता हूं, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहूंगा, विश्व के क्यूएस रैंकिंग में 500 इंस्टीट्यूशंस में 2014 में सिर्फ 9 इंस्टीट्यूशन थे, जो आज बढ़ के 46 हुआ है। अगर आदरणीय दादा कहते हैं क्या हुआ है पिछले 10 साल में, ये हुआ है हम सब मिलके इस इंस्टीट्यूशंस को, भारत के एजुकेशन सिस्टम को अंडरमाइन ना करते हुए हम आगे बढ़ाए, ये देश की और भविष्य में 21वीं सदी में हम सबके दायित्व बनती है। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।